अहमद भट्ट की नमाज जनाजा पुलिस लाइन जेहलम में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम डॉक्टर फहद अहमद, GSPs, SHOs समेत पुलिस और सिविल इंतजामिया के हुकाम, मरहूम के उस्ताद ज़रई सहाफ़ी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस लाइन जेहलम में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहूम की मैयत उनके आबाई इलाका जिला मंडी बहाउद्दीन में रवाना। जेहलम पुलिस में बतौर तफ्तीशी ऑफिसर फ्राइज मनसबी अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर मसूद अहमद भट्ट, इंचार्ज पुलिस चौकी सीटी पिन दादन खान, जो अपनी ड्यूटी से अंजाम देने के लिए जेहलम आ रहे थे। अपर नहर सराय आलमगीर के मुकाम पर इनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी नहर में गिर गई, जिससे वो खाले के हकीकी से जा मिले। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम ने मरहूम के वर्सा से इजहार ताजियत की और अहल खाना के मुकम्मल देखभाल की यकीन दहानी भी करवाई और मजीद कहा कि गम की इस घड़ी में जेहलम पुलिस मरहूम के वर्सा के साथ बराबर शरीक है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हदायत पर जेरे निगरानी थाना पिंडादन खान SHO जहीरुद्दीन बाबर अपनी टीम के हमरा मरहूम की मैयत लेकर जिला मंडी बहाउद्दीन के इलाका डेरा रूज इनकी रहायश गाह पर पहुंचे, जहां हर आंख अश्कबार थी। मरहूम की नमाज जनाजा रात 10 बजे गुढ़ा मोहल्ला गुलजार मुस्तफ़ा मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी अहल मोहल्ला और SHO थाना पिंडादन खान जहीरुद्दीन बाबर ने अपनी टीम के हमरा शिरकत की। मरहूम की तदफीन नज़दीकी कब्रिस्तान में की गई। SHO थाना पिंडादन खान ने अपनी टीम के हमरा कब्र पर फातिहा अख्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई।